स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11 से। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो 9th और 10th में पढ़ा है वो सिर्फ रियल नंबर के बारे में पढ़ा है। उनमें आगे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, प्राइम, डेसिमल, कंपोजिट नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे, अब हमने कुछ इस तरह के नंबर पढ़ने हैं, जैसे माइनस स्केयर रूट, माइनस 3 का स्केयर रूट हो गया, माइनस 7 का स्केयर रूट हो गया। अभी तक हमने माइनस की टर्म के स्केयर रूट नहीं पढ़े हैं, माइनस 11 का स्केयर रूट हो गया। अब इन नंबर्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? अब देखिए, ये माइनस अनरूट 3 है, माइनस अनरूट 3, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, माइनस 1 इंटू 3, 3 इंटू 1 वही आएगा, साथ में माइनस माइनस 3 ही आएगा। और इसको हम माइनस का स्केयर रूट 1 और माइनस 3, सॉरी, इस 3 का स्केयर रूट अलग कर लिया। अब ये जो माइनस 1 है, स्केयर रूट ऑफ माइनस 1, अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, जो इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसको हम लिखेंगे आई इंटू रूट 3। अब ये जो आई है इसे हम कहते हैं आयोटा। तो हम इस माइनस के रूट ऑफ 3 को हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा 3। और इसी तरह से अगर हम लिखें अनरूट माइनस 7 को, इसको भी इसी तरह से लिख सकते हैं, माइनस 1 इंटू 7, और इसका स्केयर रूट अलग कर लें, माइनस 1 इंटू रूट 7। तो ये जो स्केयर रूट ऑफ माइनस 1 है, ये किसके इक्वल है? इसे हम लिखते हैं आयोटा इंटू अनरूट 7। अब यहां से हमें वैल्यू मिली, आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है स्केयर रूट ऑफ माइनस 1 का स्केयर रूट, और आयोटा स्केयर होता है 1 के। अगर हम स्केयर कर लें बोथ साइड, यहां पर भी स्केयर कर लें, इस तरह भी स्केयर कर लें, यहां पर कर लेते हैं r, आयोटा का स्केयर तो माइनस 1 इसका भी स्केयर, तो ये आप आ गया आयोटा स्केयर इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये आपको याद रखनी है दोनों टर्म, आयोटा इज इक्वल टू स्केयर माइनस का स्केयर रूट, माइनस 1 का स्केयर रूट, आयोटा स्केयर इज इक्वल टू 1। अब इस तरह से जो नंबर आते हैं आपके, अनरूट 3 आयोटा, अनरूट 7 आयोटा, जिस भी टर्म के साथ आयोटा यूज हो रहा होगा, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। अब ये नंबर्स कौन से पढ़ लिए हमने? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर। अब स्केयर रूट, या तो माइनस का अगर किसी भी टर्म का कोई स्केयर रूट हो, ऐसे माइनस 13 आ जाए, तो इसे हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर्स, और इसको हम लिख सकते हैं 13 आयोटा। अब नेक्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। अगर हम ये इमेजिनरी नंबर्स यहां पर लिख दें तो ये रियल नंबर नहीं रह जाएंगे, अगर इमेजिनरी नंबर भी इसमें ऐड कर लें तो वो आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इन्हें हम कहेंगे, क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जो डिनोट करते हैं जेड से करते हैं, तो इसे हम लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी, आई बी। ए क्या होता है? रियल नंबर्स, और ये आ गया इमेजिनरी नंबर्स। अब यहां पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? तो रियल पार्ट को हम इस तरह से लिखते हैं रियल ऑफ सेट, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट कौन सा है। ये जो पार्ट है आपका ए, ये है रियल पार्ट, और ये आयोटा बी, ये जो बी है इमेजिनरी पार्ट, आई के साथ जो भी टर्म होगी वो होगा इमेजिनरी पार्ट्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होंगे? जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जेड इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। अब हमें बताना है इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, आप लिखेंगे कौन सा है। तो आई के साथ जो होता है, जो आयोटा के साथ जो टर्म होती है वो होता है इमेजिनरी पार्ट्स, और बाकी ये जो पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे? रियल पार्ट। तो रियल पार्ट इसमें क्या आ गया? 2। और आयोटा के साथ, आई के साथ जो भी टर्म होगी उसे हम क्या कहेंगे? इमेजिनरी पार्ट। तो अब नेक्स्ट जो है, आयोटा स्केयर इज इक्वल टू माइनस 1, इसको लेकर हम एक दो एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि किस तरह आपने इसका यूज करना है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चंस होंगे,
हम लेते हैं आयोटा क्यूब। अब इसको सॉल्व किस तरह से करना है, अब हमें वैल्यू पता किसकी, आयो क्यूब रहेगा। अब हमें पता है आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है, -1 इंटू आयोटा, तो ये आपका आ गया माइनस आयोटा, तो ये आ गया आपका आंसर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, आयोटा की पावर 50, आयोटा की पावर 50 है, तो इसको हम सबसे पहले हमारा काम है कि इसको आयोटा स्केयर में कन्वर्ट करना है। अब स्केयर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि फिर आयोटा का स्केयर अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर पावर 50 थी, यहाँ पर 2 है, अब 50 कैसे बनेगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि पावर जो है 50 बनेगी, तो 2 को हम करेंगे 25 से। अब इस आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है, -1, तो पावर कितनी आ गई, 25। तो अगर पावर ऑड में है तो यह आंसर इसका माइनस में रहेगा, नेगेटिव में ही रहेगा, तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 टाइम्स, तो क्या आएगा, -1 ही आएगा, तो ये तो आ गया इवन। अगर पावर आपकी ऑड में हो लेकिन काफी बड़ी टर्म हो, जैसे लिखते हैं हम आयोटा की पावर 39, आयोटा की पावर 39, तो इसको किस तरह से लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे, अब 39 है, इससे कम जो इवन नंबर होगा, 39 से कम इवन नंबर कौन सा होता है, 38। तो पहले हम इसकी पावर को कन्वर्ट करेंगे 38 में, लेकिन आयोटा स्केयर तो बनाना है हमें, आयोटा स्केयर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे करेंगे, 19 से करेंगे, तो आएगा क्या, 38, 38 इंटू आयोटा के आ गया 39। अब ये जो आयोटा स्केयर है इसे हम क्या लिखेंगे, -1 की पावर 19 इंटू आयोटा, ऑड में टर्म है तो आंसर -1 इंटू आयोटा, तो आंसर आपका आ गया -आयोटा। इस तरह के क्वेश्चन आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में होंगे। अब इसके बाद आती हैं इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किस तरह से करते हैं, मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं, तो इससे रिलेटेड ये जो अभी अपने एग्जांपल सॉल्व किए हैं, ये इससे रिलेटेड फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके कुछ